ये क्या है, ये सर्कुलर सिस्टम है। इसके अंदर कोई भी चीज हमारे घर में आ गई, हमारे घर में गई और उसकी कीमत होगी और वो हमारे को देके जाएगी, ठीक है। हर पॉइंट पे वो एक वैल्यू एडिशन करके जाएगी हमारी जिंदगी में, हमारे को और जो है सुख और समृद्धि देके जाएगी। हमारे को ये इस तरह की चीजें नहीं देके जाएगा कि गंदा खाना, गंदी हवा, गंदा पानी। आपको पता होगा हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों के पास अच्छा पानी नहीं है पीने को, और पूरे के पूरे 134 करोड़ लोगों के पास साफ सुथरी हवा नहीं है। और जो लोग दिल्ली जैसे शहर में, चेन्नई जैसे शहर में रह रहे हैं तो उनके उनके लिए तो सांस और भी मुश्किल है, ले रहे नहीं ले रहे। तो आप ध्यान से देखो, क्या हम डाइंग सिविलाइजेशन है, एक ऐसा सिविलाइजेशन है जिसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, रास्ता नहीं है, कि हम बर्बाद होते जाएंगे और बस बातें करते जाएंगे, आगे जिंदगी में चलते जाएंगे। और जैसे अंग्रेज आ गए हमारे से करोड़ों रुपया ले गए, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हमारे से लूट के ले गए, तो आज की डेट में क्या बहुत सारी कंपनियां आके पहले वो एनवायरनमेंट को खराब करती हैं, है ना, पोल्यूशन फैलाती हैं, हमारे को प्रोडक्ट ऐसे देती हैं, हमारे को खाना ऐसे देती हैं, और फिर हमारे से हमारे को और एक और सोल्यूशन देती है कि भैया ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक हो जाओ, उसके भी पैसे दे लेती है। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहले हमारे खाने में से विटामिन निकाल देते हैं बाहर, उसके बाद कहते हैं फोर्टिफाइड आटा खाओ, साथ में विटामिन खाओ, है ना। तो ये हर चीज में से, हर डिजास्टर में से, हर प्रॉब्लम में से पैसा बनाने वाली जो हमारी मंशा बनी हुई है लोगों की, उस चीज से हम बेसिकली बर्बाद हो रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा बर्बादी का कारण है जो हम वेस्ट बनाते हैं। और किसी जो चीज जो है जिसको हम समझते हैं कि ये बेकार है ना, उसको बिना सोचे समझे हम बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सही मायने में ये सर्कुलर इकोनॉमी कैसे बनेगी, सर्कुलर इकोनॉमी कैसे बनेगी, और हमारे घर में जो आया है वो बाहर जीरो जाए, अंदर ही रहे और हमारे को ही सुख और समृद्धि दे। बात समझ रहे हो? हमारे को ही वो जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाए। तो वो कैसे होगा? वो होगा कि पहले आपको जो अंदर आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो जो बाहर जा रहा है वो तो हमने देख लिया कि हमारे घर में अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना, हमारे घर के आसपास कोई पेड़ लगा हुआ है तो सूखे पत्ते वगैरह गिरते हैं, फिर हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आती हैं, प्लास्टिक आता है, रबड़ आता है ना, मेडिसिन आती हैं, ये सब आती हैं। हम मेडिसिन का तो सिस्टम बिल्कुल खत्म कर सकते हैं अगर अच्छा खाना खाए, तो जो चीज आएगी नहीं तो बाहर वेस्ट बन के कैसे निकलेगी? बात समझ रहे? रबड़ प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन सिर्फ ई मैनेजमेंट, जो ई वेस्ट मैनेजमेंट का, हो सकता है हम अपने लेवल पे ना मैनेज कर पाए, लेकिन आज की डेट में ऐसी कंपनियां हैं जो ई मैनेजमेंट को अच्छे से कर रही हैं और उसका सलूशन ढूंढ रही है, ठीक है। तो हम हमारा फर्ज सिर्फ ये बनता है कि हम अपना ई वेस्ट वहां तक पहुंचा दें, है ना, वो अपने आप उसको मैनेज करेंगे, जिस तरह भी उनको इंडस्ट्रियल प्रोसेस लगा के किस तरह करके वो करेंगे। फिर जो कपड़े हैं हमारे, है ना, वो भी हम बहुत पहनते हैं, फैशन इंडस्ट्री के कारण दुनिया में और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के कारण दुनिया में बहुत ज्यादा वेस्ट पैदा होता है। वर्ल्ड की कोई इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा वेस्ट पैदा करती है वो जानते कौन सी है? फैशन इंडस्ट्री, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन फैशन बदल जाता है, हर तीसरे चौथे दिन नया स्टाइल आ जाता है। तो पहला वो जो कंजम्पशन बेस्ड मॉडल है हमारा, हमें उसको समझना पड़ेगा। आपने देखा जो टीवी में एड आती है उसमें गोरे गोरों के बच्चे होते हैं, लेकिन वो हमारे देश के तो होते नहीं है। तो ये लोगों ने ये समझ लिया है कि लोग जो है वो जरूरी नहीं है, उनको जिस तरह मर्जी के लोग दिखा दो, उनको सिर्फ ये कन्विंस कराना है कि और खाओ, और बर्बाद करो, और कपड़े पहनो, और सुंदर ये करो, और सुंदर गोरा हो, चिट्टे हो, उस बनाना हो। इस जो ये जो मेंटेलिटी है, इसके कारण हमारा ई वेस्ट ज्यादा बढ़ता है। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो एक अपने घर में अब अपनी सोच थोड़ी सी सेट बदलनी है और देखना है कि अगर हम कोई जूते लेते हैं तो कितने महीने चलते हैं, कितने साल चलते हैं। तो वो सोचना है कि अगर हम जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करेंगे, जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करते रहेंगे, तो सही महीनों में हम
जो रिच और वेल्दी होंगे वो नहीं हो पाएंगे, है ना। yes. और हमें फैशन इंडस्ट्री के झांके में नहीं आना, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा वेस्ट पैदा कर रही है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखोगे आज की डेट में ई वेस्ट भी क्यों ज्यादा पैदा हो रहा है, क्योंकि थोड़े थोड़े जरा जरा से मॉडल में चेंजेस करके, हमारे टाइम वीसीआर होते थे, टीवी होते थे, तो टीवी का थोड़ा थोड़ा जरा सा नया फीचर लाके नया मॉडल आ गया, नया कुछ आ गया, नया कुछ आ गया। तो आपको जरा ध्यान से मोबाइल खरीदते समय, नया टीवी खरीदते समय, नया रेडियो खरीदते समय सोचना चाहिए, सही मायने में बहुत टेक्निकली सोचना चाहिए कि क्या ये दो तीन फीचर्स के कारण मैं क्या नया खरीदूं, या मेरा सेकेंड हैंड खरीद के, या इसको ही ठीक करके मेरा काम चल सकता कि नहीं चल सकता। क्योंकि जितना ज्यादा कोई चीज इस्तेमाल करेंगे उतना हम वेस्ट कम पैदा करेंगे। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि हमारे को जो है अटैक किस चीज को करना है, वो करना है कंजम्पशन को, ठीक है। हर वक्त नहीं कपड़े अपने करने। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये जो जीन पहन रहा हूं मैं, आपने देखा होगा जब बाजार में खरीदने जाओगे बिल्कुल टाइट और बड़ी अच्छी सुंदर होती है, बाद में ये ढिलक जाती है, है ना, यहाँ पे मोटा मोटा ढिलक जाती है, है ना। आपको पता है वो टाइट कपड़े से नहीं होती, उसके ऊपर केमिकल डाला होता है जिससे वो सख्त हो जाती है, कपड़ा सख्त हो जाता है, ठीक है। और वो अब पिछले 10 सालों से 15 सालों से केमिकल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने कपड़ों के ऊपर, जिससे वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं और बिल्कुल ऐसे उनकी क्रीज बन जाती है और सेट आ जाते हैं। लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे, मावा डालते थे, जानते हो क्या होता है, चावल का पानी, चावल के पानी कपड़े के ऊपर डाल के उससे ही उसी से कपड़ा बिल्कुल हमारा सख्त हो जाता है। और अगर मावा अगर आप डालोगे करोगे स्टार्च जिसको कहते हैं, तो आपका कपड़ा बिल्कुल नया जैसा लगेगा, उसको प्रेस लेगी, जो कपड़ा पहले एक साल चलता था वो 5-6 साल चलेगा, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और बिल्कुल नया रहेगा। अगर अफसोस नहीं होता, हमारी बिल्कुल फेवरेट फैन फेवरेट शर्ट फट गई, खराब हो गई किसी कारण, हम छोड़ना नहीं चाहते उसको, इतनी पसंद होती है हमारे को। तो तब आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। घर में मैंने देखा है कि मेरे, मैं जब बचपन था, मेरी मदर मेरी दादी जो है मावा यूज करती थी, स्टार्च यूज करती थी, और वो स्टार्च से कपड़े की उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, मतलब एक साल ही बढ़ती थी, कि एक साल की जगह 2 साल हो गई, 5-6 साल बढ़ जाती थी, आप समझ रहे हो। तो इस तरह की चीजों को वापस लाना है अपनी लाइफ में, अपनी प्रैक्टिसेस में। और मावा कैसे बनता है, वो भी वेस्ट से बनता है, चावल का पानी जो बच जाता है एक्स्ट्रा होता है उसको आप यूज कर सकते हो, है ना, नहीं तो मैदे का ही बना सकते हो जिससे स्टार्च बन सकता है, और हम अपने कपड़ों को बिल्कुल नया सुंदर। देखा आपने फौजियों की ड्रेस कैसी होती है, है ना, बिल्कुल नया, वो क्या होता है, अच्छे से प्रेस करी होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके कपड़ों की लाइफ बहुत बढ़े, ऑर्गेनिक मटेरियल से, बाय ऑर्गेनिक मटेरियल से ही आप अपनी बहुत अच्छी कपड़े बना सकते हो, तो पहला अटैक जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट में ये है कि हमें किसी तरह अपनी कंजम्पशन कम करनी है, ठीक है। दूसरा जो अटैक है वो ये है कि हम जो वेस्ट है उनकी कोई यूजफुल चीज बना पाए, ठीक है। अब मैं यूजफुल चीज बताता हूँ, पहले सर ने जो बात किया उसी को कंटिन्यू करते हुए, तो हमारे पास क्या है, एक प्लास्टिक है, है ना, और एक एल्यूमिनियम नाम की भी चीज हमारे घर में बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, जो सर आप दिखा रहे थे चमकीली सी, है ना, तो एल्यूमिनियम फॉयल बहुत यूज करते हैं। वैसे मैं बता दूं, एल्यूमिनियम फॉयल जो होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, जब उसमें कोई गर्म चीज पड़ती है तो उसमें से थोड़े से वॉलेटाइल जो उसमें जो सरफेस होते हैं, क्योंकि वो बारीक बारीक पतली सी परत होती है, तो उसमें से वॉलेटाइल जो मटेरियल है वो एस्केप कर जाता है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए पहले तो अपने घर में ना। अगर वो आ भी गया है तो आप जानते हो आपको स्कूल में पढ़ाया गया पैराडे केज नाम की चीज होती है, फैराडे केज, सुना क्या होता है, फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, जानते हो फैराडे केज कैसा केज होता है, कि अगर मैं उसमें बैठ जाऊं, मान लो मैं यहां बैठा हूं, केज का तो मतलब पता चल गया ना, है ना, केज को नेगेटिव सेंस में नहीं लेना, जैसे ये कमरा है और ऊपर से बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है, आपने सुना होगा बिजली कड़कने से भी कई जानवर मर गए, कई लोग मर गए, मरते नहीं मरते, तो वो लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है बिजली पैदा होती है उनके शरीर पे गिरती है, है ना, और वो एक्यूमुलेट कर जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो उसके कारण हम जो है वो एकदम गर्मी हो जाती है और जो इंसान है वो मर जाता है ना, वो पेड़ों पे गिरती है तो पेड़ टूट जाता है, गिर जाता है ना,
करना क्या चाहिए, एक फैराडे केज में रहना चाहिए जब बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही हो, है ना। ऊपर से क्या होता है कि कोई हम इलेक्ट्रॉनिक चीज यूज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जब हम यूज कर रहे होते हैं तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीज में इंटरफेरेंस करती है, है ना, तो रेडियो की आवाज खराब हो जाती है, है ना, तो इंटरफेरेंस होती है। तो उस तरह की इंटरफेरेंस को बचाने के लिए हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वाली कंपनी जो है आपको जो डब्बा देती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक या रेडियो है वो है, वो कोशिश करती है बाहर कुछ ऐसा करे कि वो फैराडे केज बन जाए, मतलब इसके अंदर बाहर से कोई जो रेज आनी है वो अंदर वाली इक्विपमेंट को या अंदर वाले बंदे को अफेक्ट ना करे। इसी तरह जब एक्सरे कराने जाते हैं हम लोग, वहां पे भी फैराडे केज बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कमरे के बाहर अगर एक्सरे रेज जाएंगी तो उन लोगों को भी कैंसर हो जाएगा, बार बार वहीं पे होंगी ना। एमआरआई की मशीन सुना होगा आपने, है ना, एमआरआई मशीन के अंदर भी फैराडे केज होता है, डब्बा होता है वो, क्योंकि एमआरआई में जब वो सेंसर्स रेज मारते हैं हमारी फोटो खींचने के लिए अंदर इंटरनल बॉडी का, तो उसमें भी वो रेज होती है वो हार्मफुल होती है, उनका थोड़ी देर के लिए एक्सपोजर लेके उसका एक जैसे हमारी इंटरनल बॉडी का एक फोटोग्राफ खींची जाती है उस तरह का होता है, लेकिन उसकी जो रेडिएशन है वो एक्सपोज ना हो जाए। तो एक मैं बहुत अच्छा यूज बताता हूँ आपको, जो आपने सर ने बताया कि दो तरह के हम कर रहे हैं, जो स्पेशली एल्यूमिनियम फॉइल्स है उसकी अगर आप ब्रिक बना के अगर आप कमरा बनाओगे तो आप एक तरह का फैराडे केज बनाओगे। क्या बनाओगे? फैराडे केज। अब उस फैराडे केज का फायदा क्या है मैं ये बता रहा हूँ। आपने सुना होगा कि आज की डेट में हम बहुत ज्यादा सुना कि आप करते ही हो, मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हो, वाईफाई यूज करते हो, आप जानते हो ये भी रेडिएशन जो है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देती है, हमारी लॉन्ग रन में हमारे शरीर को ये खराब कर रही है। अभी आने वाले सालों में 5G हो जाएगा, वो और पावरफुल रेंजेस हो जाएगी, तो वो और ज्यादा हमारे को इफेक्ट करेगी, ठीक है, हमारी हेल्थ को। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा कमरा हो जो जिसमें आप सो पाओ, जिसमें रेडिएशन कम हो, तो आपको ये एल्यूमिनियम वाली जो वेस्ट है इसकी ब्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। और वाईफाई की जो रेडिएशन है, 5G की जो आने वाली रेडिएशन है, अगर आप चाहो तो मिट्टी गारे की जो ईंटें होती हैं, मिट्टी गारे का जो घर होता है वो सबसे सेफ होगा उसके लिए, आप हैरान हो जाओ, क्योंकि मिट्टी सबसे ज्यादा रेडिएशन को रोकेगी। और मिट्टी के अंदर साथ में अगर हम ये एल्यूमिनियम वेस्ट फॉयल अगर डालेंगे वो एक तरह का हमारा फैराडे केज बन जाएगा। आप समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो एल्यूमिनियम जो आता है वो पता नहीं मुझे उसका रेट तो नहीं पता मार्केट में, लेकिन कम से कम 500 रुपए किलो होगा। बाजार में हम लेने जाएंगे उसका कुछ बना हुआ प्रोडक्ट जो है, मतलब प्योर जो होगा वो इतना होगा, उसका बना हुआ प्रोडक्ट उससे सस्ता होगा क्योंकि उसमें कुछ ऐड करके उसमें किया गया होगा। जैसे 70 रुपए किलो आयरन होता है, लेकिन जो डोलोमाइट होता है या उधर से जो उसका जो बिल्कुल प्योर अगर लेबोरेटरी होगी तो वो बड़ी एक्सपेंसिव होगी, बट अदरवाइज आप देखो कि 100 रुपये किलो भी हो एल्यूमिनियम, तो आपने वो सारा एल्यूमिनियम जो है वो यहीं पे इस्तेमाल कर दिया, अपने आप को हेल्दी करने में इस्तेमाल कर दिया और वो कहीं पे जाके वेस्ट नहीं हो रहा। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपको लॉजिकली क्लियर हो गया कि जो एल्यूमिनियम है आपका घर का वो कितना वैल्यूएबल है, ठीक है। दूसरी बात प्लास्टिक, प्लास्टिक को भी अगर हम कोशिश करें वहीं पे ब्रिक्स बना के वहीं पे यूज कर लें और आगे कहीं पे वहां ना भेजें जहां पे आग लग जाती है डंपिंग ग्राउंड में, और वो इतना जरूरी है उसको समझो। आप सारे अगर 15-20 बच्चे भी हो, 50 बच्चे भी हो, तो उसको कितना जरूरी है समझो। उसका एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग जो ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, मतलब इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, है ना, और बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे अमेरिका। अब अमेरिका क्या करता है आप जानते हो? अमेरिका अपने घर में, अगर आपने सुना होगा टीवी में भी देखा होगा, मूवीज भी देखी होंगी, अगर कोई गया भी है वहां पे तो आपने सुना होगा अमेरिका बहुत सुंदर साफ सुथरा होता है, है ना, लेकिन हमारे इंडिया के बारे ऐसे नहीं कहा जाता है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो अमेरिका एक चलाकी करता है, और अमेरिका से गंदा देश कोई नहीं है, मैं ये भी बता दूं किस तरह अमेरिका क्या करता है, सारा कूड़ा अपने घर का बाहर घेरा, हम लोग यही करते हैं ना, अपना कूड़ा घर घर से बाहर घेरा, यहां से कोई आया और उठा के ले गया छोटे ट्रक में, फिर बड़े ट्रक में उठा के वो आके यहाँ पे घेर गया जैसे डंपिंग ग्राउंड में, गड्डू माजरा के डंपिंग ग्राउंड में,
अब यहां से आगे पता नहीं क्या होता है, उसका आग लग जाती है, बर्बाद हो जाता है। अब एक तो ये 20-25 एकड़ जमीन पर खराब होगी, बर्बाद होगी, जो यूजफुल पर्पज के लिए यूज हो सकती थी वो खराब होगी। ऊपर से क्या होता है, जब इस पर बारिश आती है ना, तो क्या होता है, इसमें से सारा गंदा पानी नीचे जमीन में चला जाता है, ग्राउंड वाटर में जाता है। जो गंदा टॉक्सिन गंदी है जो चीजों के साथ, वो ग्राउंड वाटर में जाके पानी मिल जाता है और वो घूम घुमा के हमारे घर में वापस आ जाता है। बात समझ रहे हो, इतना जरूरी है। ऊपर से जब ये मीथेन गैस और गंदी सल्फर गैस और कई तरह की गंदी गंदी गैसेस पैदा कर रहा है, तो हमें बीमार कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारे को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे कि नहीं हो रहे, हमारे को जो सांस की बीमारी है वो हो रही कि नहीं हो रही, तो वो घूम घुमा के हमारे घर में ही आ गया कि नहीं आ गया। वो जो पोल्यूशन हम वहां फेंक के आए थे इतनी दूर घर से, हम है ना, मैं बाई सेक्टर रहता था और मैंने जाके फेंका डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड में, तो वो हवा में उड़ के गैस मेरे घर पहुंच गई कि नहीं पहुंची वापस, वो कूड़ा वापस घूम के वापस आ गया कि नहीं आ गया, वो गंदा पानी वापस आ गया कि नहीं आ गया। तो ये तो बहुत ही जरूरी है, ये जो हम सेग्रीगेशन करना, इनफैक्ट हमें कसम खानी चाहिए कि हमने किसी तरह डंपिंग ग्राउंड में गा जो कूड़ा है वो फेंकना ही नहीं। बात समझ रहे हो? अब जैसे हमारे कपड़े, कई लोग कपड़े बेच भी देते हैं, अच्छा करते हैं, वो दोबारा से इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन कई कपड़े बिल्कुल ही यूज नहीं होते है ना, या उनका पोचा भी नहीं बन सकता, वो झाड़ू पोछे के लिए भी नहीं इस्तेमाल हो सकती। तो बिल्कुल ऐसे खराब जो कपड़े होते हैं उनको आप नॉर्मली मिट्टी में डाल के खाद की तरह उसको डिकम्पोज होने देते हो। बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे, हमारे घर में ये जो पत्ते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पील्स हैं, तो मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करता हूँ। हम गोभी खाते हैं तो उसके डंडल छोड़ देते हैं ना, डंडल छोड़ के बाहर फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं, है ना। मेरे यहाँ तो, मैं पिंजौर में रहता हूँ, थोड़ा गांव साइड भी है, तो मैं तो बाहर निकाल के गाय को भी दे देता हूँ, है ना, ढूंढ के या गौशाला में इकट्ठा करके वहाँ जाके दे देता हूँ कि वो खा लें। लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो एक चीज़ समझो, ये जो आप पील्स हैं, इसके दो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, दो चीज़ें कर सकते हो। एक कहते हैं, उसको कहते हैं वेजिटेबल ब्रॉथ। क्या कहते हैं? वेजिटेबल ब्रॉथ क्या होता है? बाजार में आपने वेजिटेबल सूप तो पिया होगा, एक सूप की तरह चीज बना सकते हो और उसको फ्रिज में रख के दोबारा से उसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप वही जो डंडल है, प्याज है, जैसे मैं काफी सारी चीजें कुदरती उगाता हूँ, ऑर्गेनिकली उगाता हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो ये जो डंडल भी ऑर्गेनिकली मेरा उगा हुआ है वो यूं ही मैं कूड़े में फेंकूं। तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, उसको लेके पानी में लगातार बॉयल कर सकता हूँ, और जैसे मान लो वो 3 लीटर में मैंने करीबन 1 किलो गोभी के डंडल और बाकी सब्जियाँ डाली हैं, तो उसको लगातार मैं बॉयल करके जो मेरे पास बचेगा उसमें भी न्यूट्रिशन होगा कि नहीं होगा, वो सूप बन गया कि नहीं बन गया। उसको अगर मैं सिर्फ मिक्सी में अगर घुमा लूँ, है ना, वो एक तरह का सूप बन गया, उस सूप को मैं अपने फ्रिज में रख सकता हूँ, ठीक है, और जब भी मैंने कोई सब्जी बनानी है वो न्यूट्रिशन मैं अपने ऐड कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये है, वो दोबारा से इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो सारा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अदरक के छिलके में भी ताकत होती है, ठीक है, लहसुन के छिलके में भी ताकत होती है जिसको हम फेंक देते हैं, लेकिन अगर उसमें से बॉयल करके उसके सारा न्यूट्रिशन हम बाहर निकाल लें और उसके बाद जो बाकी पल्प है उसको हम खाद की तरह यूज कर लें, वो भी कर सकते, ठीक है। अगला तरीका क्या है कि इनकी डायरेक्टली खाद। यहाँ एक मिनट ले लें आपका, सर ने हमें बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातों में से कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हम आपसे भी जानना चाहते हैं। तो सर ने इतना बताया, सर की कैपेसिटी बहुत है, सर तो मतलब एक बार सर को तो 3 दिन भी देते तो 3 दिन भी लगता था अंदर सर। ये और पवन जी आते हैं, वो भी शायद आपकी क्लास लगी है उनकी भी, जिन्हें पवन जी ने क्लास लगाई है, कल क्लासेस उनकी भी है ना, तो वो भी लगातार कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बोलने का पर्पज़ ये नहीं है कि हम आगे बोल के चले जाएं, हमारा पर्पज़ ये है कि आपके अंदर से आवाज़ निकलनी चाहिए। तो आपके अंदर से आवाज़ ये बताइए कि जो सर ने अभी करवाया है जितना, उसके बारे में आपके अंदर से क्या आवाज़ निकलती है, आप घर में किस किस प्रकार का वेस्ट अभी जनरेट कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है, और किस किस तरह का वेस्ट आपको सर के बताने के बाद सेग्रीगेट करके निपटाने का तरीका समझ आएगा वो भी ज़रूरी है।
तो सर ने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसकी नकल करके भी हमें बता सकते हैं अपने अपने घर का। सभी को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तीन बच्चे हमें ऐसा बताएं कि मेरे घर में ये वेस्ट निकलता है और मैं इसको वेस्ट का आपकी बात से ऐसा समझा हूं या समझी हूं, ऐसे निपटान कर सकते हैं। ठीक है, वो तीन बच्चे हमें बताएं कि मेरे घर में ये वेस्ट निकलता है और हम ये निपटान ऐसे कर सकते हैं। तो तीन बच्चे को अपना हाथ रेस करके एक एक करके बताएं, पहले कौन बताएगा। हम सिर्फ यही नहीं सिखा रहे कि वेस्ट कैसे मैनेज करना, बेटा आपकी एनर्जी भी एक तरह का वेस्ट बन जाती है अगर आप उसको सही चैनल यूटिलाइज करके नहीं लगाते। आपको अपनी बात कहने का तरीका ही नहीं आया तो एजुकेशन बेकार है। ठीक, तो एक आपके पास मौका है, ये कोई फॉर्मल सेटअप नहीं है कि हम कहें कि ये नंबर है इसका नंबर नहीं, आपने अपनी बात बतानी है जो आपके मन में आया। तो एक दूसरे की तरफ मत देखो, मैंने देख लिया, एक दूसरे की तरफ देख के कौन बताएगा, वो मत करो, समय को भी वेस्ट मत करो और फटाफट से एक एक करके तीन बच्चे हैं हाथ लो। आप बताओ सर जी, जो हमारे पास वेजिटेबल के जो बच्चे होते हैं ना, बाहर की चीज होते हैं जो उनके जो हमारे काम के हैं, तो उनको हम खाद बना के जमीन में डाल सकते हैं जिससे वो खाद बन सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आपका शुभ नाम? अनुराग। अनुराग ने जो बताया वेजिटेबल के पील्स का हम खाद बना के डाल सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे बच्चों के ऐसे प्रश्न भी होते हैं जी हमारे पास इतने सारे पील्स इकट्ठे हो गए खाद नहीं बन रही। आज अपूर्व हमारे साथ है, ये जब हमारे पास हम इसके बाद एक प्रैक्टिकल बात भी करेंगे तो ये उस डिपार्टमेंट से हैं जो उस खाद को बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, बैक्टीरिया से फंगस से तेज कर देते हैं। तो हमने आज का जो प्रोग्राम आपके साथ रखा तो ये बात ही बाहर निकालने के लिए रखा कि आप खाद बना सकते हैं। अब आपके मन में आ गया बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे कैसे वो भी हम इसके बाद बात करेंगे, और बनाने की प्रक्रिया कैसे तेज करेंगे वो भी बात करेंगे आज, ताकि आपके अगर मन में बात आई तो उसकी पूरी की पूरी चेन को एक जगह पहुंचाया जाए, वो कहीं रुक ना जाए। ये बात जो अनुराग ने बताई कितने लोगों को समझ में, हाथ ऊपर करके बताएं। वेरी गुड, सबको बहुत अच्छी बात, आपने सबने हाथ ऊपर। नेक्स्ट बच्चा कौन बताएगा? सर मैं। हां जी सर, जो प्लास्टिक से होते हैं सर, उसकी ब्रिक कैसे बनाएंगे, वो मुझे अच्छा लगा। ये ब्रिक आपने देखा ऑलरेडी एक तरह की ब्रिक बनी हुई है, हार्ड बनी हुई नहीं बनी हुई। यस सर, ये ना ये पूरी यहाँ नीचे से अगर आप लगा के देखें तो बहुत कम दब रही है, आप दबा के देख सकते हैं बहुत कम दब रही है। मैं अगर इसके ऊपर ऐसे खड़ा भी होता तो आप देखेंगे कि इसको मैं पूरा नहीं दबा पा रहा नीचे तक। yes, ये बहुत हार्ड हो गई है, इतने हार्ड हो गए कि मैं अगर इसके ऊपर खड़ा हुआ कोई जाऊँ तो अभी टूटेगी नहीं। मैं इसको पूरा भर दूँ तो ये ईंट बन जाएगी, राइट। मैंने एक सवाल पूछा था कि ईंट आपको जो मिट्टी की ईंट क्यों खतरनाक है, उसका जवाब भी आपने सोचना है दिमाग में। और ये ईंट जो सर ने बताई है अभी, ये कैसे यूजफुल है, प्लास्टिक का वेस्ट जो है हमारे स्कूल से बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। उसका बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं, जैसे आप अभी बॉटल्स लाए ना, आप अपना अपना एक कॉर्नर चूज करके वहां बॉटल टांग दो, बता दो बॉटल ये मेरी अभी, अपने अपने दोस्तों को बताओ कि आपका आज से जो भी प्लास्टिक निकलेगा, ये दो बॉटल लगी हुई है इसके ऊपर मैंने लगा दिया, इसके अंदर जो सिल्वर वाला लगाना है, इसके अंदर दूसरा लगाना है, कहीं भी और फेंकने की बजाय प्लास्टिक की बॉटल्स में डाल दो। अकेले करने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा, अपने दोस्तों को साथ खिला लेंगे, स्कूल भी साफ हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। ये मुश्किल है काम? कर सकते हैं ना। तो आपने जो बताया अभी, एक तो प्लास्टिक हो गया, तीसरा एक बच्चा को और बताइए, तीसरा कौन बताएगा? बहुत अच्छा, शाबाश, आपकी बात साफ तरीके से कहने का आपको आना चाहिए, यही हमारा मकसद है। तीसरा बच्चा कौन बताएगा? आप बताइए आपको सर की जो बात आई उसमें से क्या समझ आया, और आप अपने घर में से कौन सा कचरा मैनेज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई है तीसरा? सर ई वेस्ट, जैसे हम सर ने बताया था कि हम बात बात पे थोड़ी सी भी बात के लिए, अगर कोई ऐप न्यू आता है जो उसमें नहीं चलता दूसरे फोन में, तो उसको चलाने के लिए हम न्यू फोन लेते हैं, तो उससे भी हमें बहुत वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपनी कंजम्पशंस को कम करना, संयम से चलना, है ना। तो सर की जो बताई बात आप तक पहुंची ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी जगह बैठा होता तो मैं कहता कि सर मैं 10वीं जब कर लूंगा तो अपनी 10वीं की किताबें अपने मोहल्ले में रहने वाले 9th क्लास के बच्चों को जरूर दे दूंगा, अपनी कॉपियां उनको दे दूंगा, ताकि मेरी किताबें कॉपियां वेस्ट ना हो, मेरी जो स्टेशनरी है मेरे काम की नहीं रहेगी, जो छोटी पेंसिल्स होगी जिससे इतना मुझे पसंद नहीं, मैं छोटे बच्चों को दे दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अपने साथ रहने वालों को ये बताऊं कि बेटा ये आपने भी वेस्ट नहीं करनी ये चीज, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा,
लग रहा है तो पैसा इस चीज में कितनी अपॉर्चुनिटीज आप बता सकते हैं। हम क्या करते हैं रद्दी में दे देते हैं, रद्दी वाला क्या 4-5 रुपए देके जाता है, 4-5 रुपए से क्या भला होगा, उतने का तो पोल्यूशन हो जाएगा भाई। रद्दी वाले की हेल्प करनी है तो उसके तरीके और हैं, अगर आप उसकी हेल्प करना चाहते हो उनको और तरीके से हेल्प किया जा सकता है। लेकिन आप रद्दी में जो चीज देके उसका कचरा बना देते हो, उस कचरे को अगर आप किसी का धन बना दो, तो 9th क्लास में आपने जो बहुत सुंदर कॉपी बनाई, जो अच्छी कॉपी बनाई किसी 9th क्लास के बच्चे को दोगे, उसका जीवन देखो कैसे कितना सफल हो जाएगा। आपको बनी हुई चीज मिल जाती है, आपका प्रॉब्लम आपको पता लगता ना कि ये चीज है, उस तरह की करते बात। तो जितना भी सर ने बताया उतना समझ आया, ये बहुत अच्छी बात। सर अब हम थोड़ा 10 मिनट में थोड़ा कर लेते हैं। मैं बता रहा था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हम क्या बना सकते हैं, वेजिटेबल स्टॉक या ब्रॉथ, ठीक है। इसको आपने क्या किया, 2-3 लीटर पानी में जो आपके जो बच्चे में छिलके हैं उनको बॉइल किया, उसका सारा न्यूट्रिशन निकाल दिया, न्यूट्रिशन निकाल के उसको छान के आपने रख लिया। और जब भी आपने कोई सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, उसको उसमें डाल सकते हैं। उसमें आपका जो पत्तों में भी जो पत्तों के जो छिलकों में भी जो न्यूट्रिशन था वो भी आपके पास आ रहा है। बात समझ आ गई? तो और आप हैरान हो जाओगे, बहुत बड़ी कंपनियां वेजिटेबल स्टॉक नाम से प्रोडक्ट बेचती हैं। आपने वो जिसकी जिस कंपनी से मैगी खाते हो, नेस्ले वाली कंपनी, वो ये बेचती है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट ही करते हैं, जो गले से जो उनके बच जाते हैं फल फ्रूट जो बच जाते हैं उनको बॉयल करती है, उनको इतनी सख्त इतनी लगातार बॉयल करती है कि उनके अंदर कोई थिकनर डाल के, है ना, जैसे अरारोट होता है, अरारोट जैसी चीज डाल के उसको सुखा के उनको प्लास्टिक में बांध के आपको बेचती है। और तो ये चीज आप अपने घर में भी कर सकते हो, है ना। मैं जो अमेरिका वाली बात बता रहा था उसको भी खत्म कर लेते हैं। तो अमेरिका क्या करता है कि अपने घर का कूड़ा, हम लोग तो यहाँ डड्डू माजरे तक गिर देते हैं, वो क्या करता है, वो डड्डू माजरे वाली की जगह मतलब बहुत बड़े डंपिंग ग्राउंड से भी उठाता है और समुद्र में गिर देता है। क्या करता है, पैसिफिक ओशन में गिर देता है। वो सारा कूड़ा उठाता है, उनका डंपिंग ग्राउंड बड़ा ही नहीं होता जैसे हमारा, वो सारा का सारा कूड़ा उठाता है समुद्र में गिर देता है। वो इतना कूड़ा घेर चुका है पिछले 100-150 सालों में कि जर्मनी जितना बड़ी कंट्री जितना इतना कूड़ा का जगह बन चुकी है अटलांटिक ओशन, और उसमें दो बड़े बड़े उसके कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं समुद्र में। बात समझ रहे? अब उससे होता क्या है, पानी में चीजें तो तेजी से गलती है ना, लेकिन प्लास्टिक फिर नहीं गल पाता है। प्लास्टिक को गलने में लगते 500-1000 साल, है ना। तो प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक कतरा कतरा हो जाता है, टूट जाता है, और वो टूट के समुद्र में भारत तक आ जाता है। और भारत में हम क्या करते हैं, सी सॉल्ट खाते हैं। कौन सा सॉल्ट खाते हैं, कौन सा सॉल्ट, सी सॉल्ट। उसका मतलब क्या हुआ, समुद्र से निकला हुआ नमक। और वो नमक में हमारे पास आज की डेट में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि प्लास्टिक, इसको माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, उसको अलग कर दें और नमक को अलग कर दें और वो हमारे घर में पैकेट बन के फिर आ गया। तो जो कूड़ा आपने फेंका था या अमेरिका ने अपने घर से फेंका, प्लास्टिक फेंका, वो घर में आ गया फिर से। जो कूड़ा बाहर फेंकोगे वो घूम घुमा के घर में आ जाएगा। बात समझ रहे हो, प्लास्टिक भी वापिस आ गया। जो कुछ भी आप गंद घेरोगे वो घूम घुमा के घर में आएगा। तो इसलिए आपको तो मेरे हिसाब से ये प्रण कर लेना चाहिए कि हर हालत में आपने अपने घर में से बाहर कूड़ा नहीं घेरना। आप समझ लो कि ये जो प्लास्टिक है उसके कारण कितनी मछलियां मर जाती हैं, कितनी मरीन लाइफ खराब हो रही है ना। और अब हम इंसान भी बर्बाद हो रहे हैं। अब जिन लोगों को ये चीज पता लगी तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ जो पत्थर वाला नमक होता है, सेंधा नमक, तो वो पत्थर वाला नमक ला ला के आप खा रहे हो। उनको पता है कि जो पत्थर वाला नमक जमा हुआ है हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले, तो उसके अंदर प्लास्टिक नहीं है, तो वो वाला इसलिए सेंधा नमक, वो वाला पत्थर वाला नमक लोगों ने खाना शुरू कर दिया है, जिनको ये चीज़ पता है। जिन लोगों को नहीं पता है वो अभी भी सी सॉल्ट खा रहे हैं, और सी सॉल्ट में भी माइक्रो प्लास्टिक। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपने समझा कि जो चीज अंदर आई है वो किसी तरह हमारी अंदर ही कंज्यूम हो जाए या कम से कम हो, और कोशिश करें जीरो वेस्ट बाहर आने की, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट फेज में ताकि हम प्रैक्टिकल कर पाए, ठीक है। चलो अभी जो हमने सीखा, एक तो पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, जो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम जब भी किसी से कंपेयर करते हैं, जिनके वो अमेरिका से कंपेयर किया या कहीं से कंपेयर किया,
तुमने एक पैरामीटर माना, हम किसी को भी अच्छा या बुरा, हमारी अपनी ओपिनियन हो सकती है, आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, वो हमारे निजी विचार है कि हम क्या कहते हैं, सिर्फ हमने कंपैरिजन करने के लिए तो पैरामीटर बना लिए। तो हमने कंपैरिजन जब किया तो उसकी समझ कितनी बढ़ गई उसके हिसाब से है, किसी देश के ऊपर या किसी अपने देश के ऊपर या किसी दूसरे देश के ऊपर जो विचार बनता है वो आपका निजी विचार हो सकता है और उसको खंगालिएगा, तो दैट वाज द पार्ट। लेकिन सेकंड बात जो अभी हम आपसे करने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल भी करेंगे आपके पास जाके, अब हम ये चाहते हैं कि हम जब आके इतना बोल लिया आपके साथ, इन बच्चों ने हमें ये बताया कि हम अपना केस एग्री कर सकते हैं, आपको एक मौका देते हैं, आपने इतना सुनने के बाद, ये समझने के बाद जो हमने बोल लिया, क्या आप में से कोई बच्चा आगे यहाँ बोलना चाहता है कि ये मेरे को समझ आया मैं आगे ये करूँगा, या मैं घर में ये करता हूँ करती हूँ जो आपने नहीं बोला? कोई चीज़ हम जरूरी तो नहीं कि हमने सारी चीज़ें बोल ही दी, तो आपने अपने घर में ऐसा कुछ कर रखा हो जो आपने वेस्ट को सेग्रीगेट कर रखा हो, वेस्ट को मैनेज कर रखा हो, खाद बना रखी हो, कोई आपने कोई और ऐसा किया हो कि कपड़े के आप सिल के कुछ और बना देते हो, कोई सिलाई कढ़ाई का काम किया हो, कोई भी काम जो आपको लगता है वेस्ट को मैनेज किया हो आपने घरों में किसी भी तरीके से, तो वो आप हमें बताएं और एक बार हमारे पास यहाँ आके हमें बताएं क्या हो सकता है। कोई ऐसा बताना चाहेगा, कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि आपने किया आप बताना चाहेंगे? आई ताकि मेरा भविष्य भी वाइब्स द्वारा खराब ना हो और मेरी बॉडी भी ना हो और मैं जो अपना गोल अचीव करना चाहता हूँ वो अचीव कर पाऊँ। वो टिन फॉइल जो होगी आपकी वेस्ट होगी, yes, yes, तो आप इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स रख के अगर आसपास रखोगे तो जो वेव्स आ रही होगी वो आपको कम इफेक्ट करेगी, ठीक है? आप एक तरह का फेराडे केज बनाने की कोशिश करोगे। ये फेराडे केज के बारे में आपने एक तो पढ़ना है, yes, एज अ होमवर्क। दूसरा आपने एक बंदा है रॉब ग्रीनफील्ड, ठीक है, YouTube पे इसके वीडियोस देख लो। अगर मैं दोबारा से आया आपके स्कूल में तो मैं आपसे बात करूंगा दोबारा से इस बंदे के बारे में, ठीक है? तो इसको, ये बहुत अच्छा बंदा है, ये पूरे वर्ल्ड में घूमा, इसने कोशिश करी कि मैं बगैर प्लास्टिक के बगैर वेस्ट के किस तरह जीऊँ। तो उस एफर्ट में इसने एक और काम किया, जो भी ये खरीदता था या कुछ भी करता था तो उसको अपने शरीर पे साथ में लटका लेता था। उसने क्या किया, जैसे ये बॉटल ले ली तो अपने बॉटल यहाँ पे रस्सी से बांध ली कि ये मेरा कूड़ा है, और वो कूड़े को लेके पूरा उसने कई देश घूमा लोगों को बताने के लिए कि ये देखो कितना कूड़ा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये बहुत अच्छा आपको इससे सीखने को मिलेगा। ये बेसिकली किचन गार्डनर भी है, फार्मर भी है, साथ में वेस्ट मैनेजमेंट करना सिखाता है, ठीक है? तो आप और इंटरेस्टिंग चीजें जो अगर पढ़नी है समझनी है तो उससे करना है। आपने फैराडे केज क्या होता है, जो एल्यूमिनियम फॉयल है हमारी वेस्ट है उससे ब्रिक बना के हम कैसे फैराडे केज बना सकते हैं उसके बारे में भी सोचना है और करना है। और उसका प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है, आपने सिंपली गारा जो होता है, गारा समझते हो क्या होता है? क्या होता है? मिट्टी, मिट्टी के घर जो बने होते हैं जिस चीज से, तूड़ी और मिट्टी को मिक्स करके, क्ले को मिक्स करके जो घर बनता है, उसी चीज में अगर आप ये एल्युमिनियम फॉइल्स और डाल दोगे, ये टूटी हुई सारी, ठीक है, और उसी का फिर आप अपना कमरा बनाओगे तो आप एक तरह का जो वाईफाई की रेडिएशन है वो भी आपकी कम हो जाएंगे और ये जाके गंदे डंप में नहीं जाएंगे, बात समझ रहे हो? और इनको ऐसे भी मान लो यही आपने बनाया हुआ तो इनको भी ऐसे ऐसे स्टैक करके, इस बॉटल को भी स्टैक करके कमरा बनाया जा सकता है, ऐसी कोई बात है, है ना? आप देखोगे YouTube पे इंटरनेट पे लोग प्लास्टिक की बॉटल्स को ही यूज करके पूरा का पूरा कमरा बना देते हैं, है ना? तो वो भी कर सकते हो आप, लेकिन बेस्ट तरीका है रेडिएशन को रिड्यूस करने का कि आप ये जो बेकार फॉयल एल्युमिनियम फॉयल है उसको आप मिट्टी गारे में ऐड करके साथ में और कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम थोड़ा वाइंड अप कर रहे हैं, तो थोड़ा और तेज होते हैं इस बारे में और बस एक दो मिनट की बात करके फिर हम बाहर चलते हैं। आपको प्रैक्टिकली तरीका बताएंगे किस तरह कंपोस्टिंग करते हैं, राइट?
अभी सर ने दो तीन चीजें बताई इसमें आपको कि आप कैसे ब्रिक्स कर सकते हैं। आपने कहा कमरे की क्वाइल के बारे में बात करी, मैं आपको प्रैक्टिकल टारगेट बताता हूँ जिसको आप तुरंत कर सकते हैं और आपके माता पिता खुश होंगे, आपका समाज आपसे खुश होगा अगर आप वो काम करते हैं। कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, सिंपली आपकी मेहनत लगेगी, आपको देखकर किसी को कहने नहीं जाना पड़ेगा कि ये काम करना, आपके साथ आके लोग खड़े हो गए। स्कूल में जब आते हैं तो आपके सामने एक ओपन जगह पड़ी है ना, थोड़ी जगह पड़ी है, मैं गार्डन भी देखता हूँ तो सामने उसके पीछे बिल्कुल इस हालत में जैसे वहां कोई जाता ही नहीं, वहां कोई उसको साफ ही नहीं करता, इस हालत में है ना। अगर आप इसी तरह की ईंटें बना लेते हो और उनका वहां एक बेंच बना लेते बैठने के लिए, है ना, आपके पास आपको लगेगा कि ईंटें बना ली अब इस्तेमाल कहां होंगे, तो आपको जगह भी बता दो। जब लोगों को पता लगा आप इसको कैसे कर सकते हो, दिखने में कैसा लगेगा, आपको अगर संशय है तो आप गूगल कर सकते हैं, इन्हीं ईंटों से बने हुए बेंचेस पार्कों में इंस्टॉल हो रखे हैं, आप देखेंगे तो कितना खूबसूरत लगते हैं वो बेंचेस, और जो भी आके उनका इस्तेमाल करता है उसको नई प्रेरणा मिलती है इस तरह के काम करने की, राइट। सो इस तरह हमारे पास बातें बहुत सारी करने के लिए, लेकिन आपका समय हमारे साथ इतना ही था। हम लोग आपके किचन गार्डन तक चलते हैं, किचन गार्डन तक जाके आपको शायद इस तरफ है ना किचन गार्डन, किचन इस तरफ हम वहां चलते हैं, आप लोग वहां तक जाएंगे, वहां हम आपको कंपोस्ट करना कैसे है, आपको आज का लास्ट का सेशन बताएंगे कंपोस्टिंग आपने कैसे करें। चलो ठीक है, कौन बोल रहा है आपसे, आपसे बात करेंगे, एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी सॉरी। वहाँ मिस्टर पूर्वा जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से आए हैं, थोड़ा सा प्रिचल का वहाँ करके बात करें, ठीक है, चलिए जैसे सर ने कहा।